काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इंक्रिप्शन की के बारे में। हिकनेक्ट एप्लीकेशन में जब भी हम लॉगिन करते हैं, इनपुट करते हैं इंक्रिप्शन की, उसके बाद में हम लोग लॉगआउट कर लेते हैं, या हमारा जो सर्विस पर्सन रहता है, जो जिन्होंने हमारे सीसीटीवी को इंस्टॉल किया रहता है, सीसीटीवी को इंस्टॉल करके वो इनपुट करके इंक्रिप्शन की को हमें दे कर जाते हैं, हमें इंक्रिप्शन की लिख कर जाते हैं या बोल कर जाते हैं, बोलने के बाद में हमें वो इंक्रिप्शन की याद नहीं रहती या हम लोग भूल जाते हैं, तो फिर से उस इंक्रिप्शन की को वो हिकनेक्ट एप्लीकेशन फिर से रिपीट करता है, यानी कि पूछने लगता है। क्योंकि हिकविजन में सबसे जरूरी है इंक्रिप्शन की, क्योंकि वो सभी के सभी डीवीआर को इंक्रिप्शन की पूछेगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वो सेटअप जो है हिकविजन ने दिया हुआ है। तो सिंपल वे में हमारे पास में मॉनिटर भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, डेस्कटॉप भी नहीं है, तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इंक्रिप्शन की, इस टॉपिक के बारे में मैं आपको आज बताने वाला। इस सेटअप को देखने के बाद में इंक्रिप्शन की फाइंड करना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए आ जाते हैं इंक्रिप्शन की फाइंड करने पर, यानी कि हम लोग मोबाइल ही से इंक्रिप्शन की फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे जो है आपको दिखाने के लिए मेरे पास में मोबाइल छोटा हो रहा है, क्योंकि वो जो है आपको छोटे छोटे अक्षर दिखा देगा। इसके लिए मैं यहाँ पे अपना टैब यूज कर रहा हूँ, वहां पे आप अपना मोबाइल यूज कीजिए इंक्रिप्शन की को फाइंड करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन के पर आते हैं, हमने उसको कनेक्ट किया है अपने वाईफाई के थ्रू, यानी कि हमारा जो राउटर है उसके थ्रू हमने जो कनेक्ट किया अपने डीवीआर को, उसी राउटर को हमारे मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद में हम चले जाते हैं हिकनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे हमें डीवीआर शो हो जाएगा, यहाँ पे ऑन करने के बाद में इनपुट द इंक्रिप्शन की पासवर्ड करके दिखा रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पर हमने ट्राई कर लिया है कुछ भी डाल के, तो यहाँ पे फाइंड नहीं हो रही है, तो इसको यहाँ से बैक ले लेते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ में हमें प्लस आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन स्कैन क्यूआर कोड मैनुअल एडिंग, यहाँ पे ऑनलाइन डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है। ऑनलाइन डिवाइस में चले जाना है, फर्स्ट ऑप्शन डीवीआर या एनवीआर आपका वहाँ पे लगा रहेगा, उसके पीछे जो है क्यूआर कोड दिया रहता है या मॉडल नंबर दिया रहता है डीवीआर का, उस डीवीआर का मॉडल नंबर यहाँ पे चेक कर लेना है। तो उसकी आईपी को यहाँ पे हमें जो है नोट डाउन कर देना है, 192.168.1.53 यहाँ पे आईपी उसकी शो हो रही है। तो सिंपल में हम लोग क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वहाँ पे इनपुट कर देते हैं, यानी कि उस आईपी को यहाँ पर डाल देते हैं, उस नंबर को जो नंबर वहाँ पे शो हो रहा था 192.168.1.53 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे जो है डीवीआर का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डीवीआर का पासवर्ड देना बहुत जरूरी है, सभी डीवीआर का यूजर नेम जो है एडमिन ही रहता है स्मॉल में। तो नीचे की तरफ में पासवर्ड हर एक का अलग अलग रहेगा, वहाँ पे आपका डीवीआर का लॉगिन पासवर्ड आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ पे आप अपने जो है टेक्नीशियन से बात करके पता कर सकते हैं कि उन्होंने डीवीआर के अंदर पासवर्ड क्या रखा। तो सिंपल में उस डीवीआर का पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में ऊपर की तरफ में पासवर्ड सेव करने के लिए पूछेगा, तो उसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लाइव दिख रहा है, प्लेबैक दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में चले जाना है। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में जाते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें लोकल दिख रहा है, सिस्टम दिख रहा है। नीचे डायरेक्टली हमें नेटवर्क में चले जाना है। नीचे नेटवर्क में जाने के बाद हमें जो है सेकेंड ऑप्शन एडवांस सेटिंग के अंदर चले जाना है। जैसे हम लोग एडवांस सेटिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन ईमेल दिखा रहा है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन प्लेटफॉर्म एक्सेस है। प्लेटफॉर्म एक्सेस में जाने के बाद नीचे लास्ट में वेरिफिकेशन कोड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो रहा है, यहाँ से आई को ओपन कर लेना है। आई को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीवीआर का वेरिफिकेशन कोड क्या दिया है, तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करके सेव कर दीजिए। वही इनपुट द इंक्रिप्शन की आपकी जो है उस हिकनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर इनपुट करनी है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर चुका हूँ। यहाँ पे हिकनेक्ट एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, या आपने वहाँ पे नोट डाउन कर दिया है उसको, तो नोट डाउन करने के बाद में सिंपल वे में यहाँ पे उसको टाइप करके डाल देना है। तो वहाँ पे जो मेरी इंक्रिप्शन की थी, मेरे चैनल का नाम था सीसीटीवी उल्मान, जो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सारे इन्फोटेक वीडियोज आपको सीसीटीवी के बारे में मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन की यानी कि इंक्रिप्शन की हमने यहाँ पे डाल दी है, तो हमारा यहाँ पे डीवीआर ओपन हो चुका।
चुका है। उसी तरह से आप जो है कई सारे कस्टमर के विदाउट मॉनिटर इंक्रिप्शन की ढूंढ कर दे सकते हैं, या आप डायरेक्टली कस्टमर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।